प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का पांचवा संस्करण 1 अप्रैल 2022 को आयोजित होगा। भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव, छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। केंद्रीय विद्यालय जाखू में कार्यक्रम को लेकर बच्चों व अध्यापकों में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए विद्यालय में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, मैं शकुंतला शांडे, उप प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय जाखू शिमला। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, जिसकी एक वाइड पब्लिसिटी यहाँ पर हो रही है, तो उसमें जिस आधार को लेकर प्रधानमंत्री जी जो है विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम कैसा हो, उस संबंधी चर्चा ये हो रही है। और यहाँ पर आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रेस रिलीज जो है, प्रेस नोट जो है, ये मैं यहाँ जो हमारे विभिन्न मीडिया कर्मी हैं उनको यहाँ सौंप रही हूँ, और जिसके माध्यम से हम यहाँ विद्यालय स्तर पर जो हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। उसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने विद्यार्थियों को 1 अप्रैल से हमारे विद्यालय नए सत्र के लिए खुल रहे हैं, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित होंगे। और अलग अलग स्तर पर हमने ये व्यवस्था की है कि हम FM के माध्यम से, TV के माध्यम से और अन्य जो भी हमारे पास iPad और स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, उसके माध्यम से हम ये परीक्षा पे चर्चा संबंधी जो कार्यक्रम होगा 1 अप्रैल को 11 बजे, वो हम बच्चों के साथ साझा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर जो है वो भी तीनों तरह से, चाहे वो FM हो या TV की व्यवस्था हो या स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था के माध्यम से, हम ये बच्चों को ये कार्यक्रम साझा करवाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी हम ये चर्चा करेंगे, चर्चा बच्चों के सामने साझा करेंगे। हम लोगों ने अभिभावकों के साथ भी ऑनलाइन कार्यक्रम जो है वो लिंक साझा करके अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वो भी इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। इसमें सबसे सर्वप्रथम मैं यही बात साझा करना चाहूँगी कि पूरे भारत के मुखिया, प्रधानमंत्री द्वारा जब इस तरह की चर्चा बच्चों के साथ सीधे रूप से की जाएगी, तो ये सुनिश्चित है कि ये लाभान्वित करेगी। और इसके अतिरिक्त ये बच्चों को जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी कि बच्चे जो हैं अपनी परीक्षा में अवश्य रुचिपूर्वक तरीके से जो है वो तैयारी करके और उत्तीर्ण होंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।